आरटीपीसीआर का जो टेस्ट है वो हॉस्पिटल में जाके ही होता है और हॉस्पिटल में इतना भीड़ है कि कौन जाएगा वहां पे, इसलिए आप पल्स ऑक्सीमीटर ले सकते हैं। पल्स मतलब आपकी हार्ट बीट भी नाप देगा, ऑक्सीमीटर मतलब ऑक्सीजन लेवल भी नाप देगा। इसके अंदर एक इंफ्रारेड रेज होती है जो आपके ऑक्सीजन लेवल को नाप देती है। इसमें क्या क्या होती है, ये तीन चीजों को बताता है। ये इस शेप में होता है मशीन, इसे जिस जिस हाथ को आप ज्यादा वर्क करते हैं, जैसे हम राइट हैंड वाले हैं तो राइट हीट दाहिने हाथ के इस उंगली में पकड़ेंगे, और जो बाएं हाथ से ज्यादा काम करता है, लेफ्ट हैंडर होता है, वो उसकी फर्स्ट फिंगर में इस मशीन को लगाएगा। इसको ये छोड़, ये यहाँ बटन होता है ऑन करने वाला, ये बटन ऑन कर दीजिएगा, उसके बाद से इसमें इसको पकड़ लीजिएगा, एक आध मिनट में आपको पूरा बता देगा। अब इसमें तीन चीज होता है, पहला होता है सेचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन इन परसेंटेज, यानी आपका परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है। इसे शॉर्टकट में क्या कहता है, SpO2 परसेंटेज, यानी सेचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन परसेंटेज। ये कितना होना चाहिए, तो 94 से ज्यादा होना चाहिए, याद रखिएगा 94% से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है ना SpO2 परसेंटेज, यानी सेचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन परसेंटेज, या 92 है। इस सचुरा को या 92 कैसे हो गया, कोरोना का शौक है, 92 नहीं होना चाहिए, 94 से ज्यादा होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। दूसरा क्या चीज देखा जाता है इसमें, पल्स रेट यानी PR, कितना दिल की धड़कन चल रही है। ये 60 से 90 है तो ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा ना PR पल्स रेट कितना है, या 86 है, तो ये तो भैया ठीक है, क्योंकि 60 से 90 के बीच में होना चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन लेवल 92 है, ये गड़बड़ है, ऑक्सीजन लेवल इतना नीचे नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा इसमें एक और चीज होता है, परफ्यूजन इंडेक्स PI होता है, ये किसी काम का नहीं होता है कोरोना के लिए, PI, जैसे यहाँ देखिए PI परसेंटेज है, ये परसेंटेज कितना होना चाहिए, 2 से 20 के बीच में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे इसका 5.8 है, ये भी ठीक है 5.8, लेकिन हाँ इतना याद रखना है PI जो वैल्यू है, परफ्यूजन इंडेक्स वैल्यू है, वो 0.5 से नीचे नहीं आना चाहिए। देखिए, ये तो ऑक्सीजन लेवल बता देता है, ये तो दिल की धड़कन बता देता है, ये क्या बताता है, PI रेट यानी परफ्यूजन इंडेक्स बताता है कि कितने अंदर तक ऑक्सीजन पहुंच रहा है, यानी अंतिम नस तक भी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अब सोच रहा 0.5 हो जाएगा, मतलब गड़बड़ है, लास्ट तक नस ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये दिखा रहा है इसका ठीक ठाक है। ये PI जो होता है 2 से 20 के बीच में होना चाहिए यहाँ पर। अब देखते हैं हम लोग 21 का कौन है, तो 94 से कम होगा तो दिक्कत हो जाएगा, जैसे हम आपको यहाँ दे देते हैं। देखिए, यहाँ पर दे रहा है परसेंटेज ऑफ सेचुरेटेड पल्स ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन, बताइए इसमें कितना है, 97, ठीक है कि नहीं, तो ऑक्सीजन लेवल ठीक है। और ये इसका पल्स रेट जो यहाँ दिया है 83 है, ये भी सही है, 60 से 90 होना चाहिए। इसका चेक करते हैं, इसका ऑक्सीजन लेवल ससुरा 99 है, भाई साहब इतना खतरनाक आदमी भगवान है क्या, ही है 99 ऑक्सीजन लेवल, इसको कोरोना नहीं है। और इसका पल्स रेट 68 है, सही है, ये 60 से 90 होना चाहिए यहाँ पर, और ये कितना होना चाहिए, 94 से ज्यादा होना चाहिए, सही है ये यहाँ पर। दूसरा एक स्लाइड देखते हैं यहाँ पर, इसका बताइए आप बताइए इसका ऑक्सीजन लेवल कितना है, वीडियो रोक के कमेंट कीजिए, ऑक्सीजन लेवल ये है या ये है। ऑक्सीजन लेवल के लिए क्या लिखा रहता है, SpO2, O2 से भी आप पकड़ लेंगे, 97 है, एक नंबर है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है। पल्स रेट 60 है, चलेगा, 60 से 90 होना चाहिए, समझ आ गया कि नहीं। अब ये कोई लड़की का हाथ है, देख रहे हैं नाखून उखून इतना बढ़ा हुआ है, ले लड़की देख के ये ऑक्सीमीटर काम करना छोड़ दिया, देख रहे हैं लड़की बहुत खतरनाक चीज है, लिख दिया गुड, बहुत अच्छा, सोचो ये अपना काम भूल गया, लड़कियां का तारीफ कर रहा है, गुड ऑक्सीमीटर, अरे भाई साहब इसको देखो क्या हो गया, ऑक्सीमीटर पकड़ा गया।